हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के यूनिट 2 को डिटेल में पढ़ रहे थे। आज उसका क्लास नंबर 16 है और ये लास्ट क्लास है। यूनिट नंबर 2 का नाम है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल। इसके पहले की 15 क्लासेस हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, नहीं तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से करके देख सकते हैं। मैंने आप लोगों को इसके पहले के वीडियो में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाया था और उसका एनर्जी लेवल डायग्राम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए हुए थे। ठीक, अप्रॉक्स 4 to 5 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए थे। अगर आपने ये सारी वीडियोस को नहीं देखा जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले वो सारी वीडियोस को देख लीजिए, तब आगे की वीडियोस को देखिए, तब आप लोगों को समझ में आएगा। और जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हैं, वो बच्चों के लिए एक बार कह देती हूँ कि वो नोट्स ज़रूर बना लें एग्ज़ाम के टाइम पर। आप लोगों को यही नोट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है। आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है लिमिटेशंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके कभी कभी पूछ लेता है कि आप लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पोस्टुलेट बताइए और उसके राइट डाउन इट्स लिमिटेशन, उसके लिमिटेशंस को भी लिखना रहता है। तो आज की वीडियो में हम उसके लिमिटेशंस को देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। और मैं आप लोगों के लिए जल्दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट करके रख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको आधे घंटे पहले ही मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मेरे चैनल पे आप लोगों को फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस के भी लेक्चर्स मिल जाएंगे। इसका सिलेबस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक, सारे यूनिट को डिटेल में पढ़ा करके उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर सब कुछ प्रोवाइड करूँगी। बस आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब कुछ हो जाएगा। अगर एक दिन वीडियो नहीं आती है तो मैं आप लोगों को दूसरे दिन दो या तीन वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी, लेकिन एग्ज़ाम से पहले आप लोगों का सारा सिलेबस कम्प्लीट हो जाएगा। ठीक, जो जो मैं आप लोगों को फॉलो करने को कहती है, अगर आप वो फॉलो करते हैं तो आपके डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो लिमिटेशंस क्या होते हैं? दो लिमिटेशन है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है सिर्फ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए ही एप्लीकेबल थी। जैसे मैंने आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम का, N2 था, O2 था, CO था, NO था, इस तरीके से क्वेश्चन जो कराए थे, ये सारे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं और इसे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के नाम से भी, होमो एटॉमिक या हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता है वो दो टाइप में टूटते हैं, एक होमो एटॉमिक होता है और एक हेट्रो एटॉमिक होता है। होमो एटॉमिक में सेम तरह के एटम होते हैं, हेट्रो एटॉमिक में अलग अलग एटम होते हैं। तो पहला एप्लीकेशन यही है कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये एप्लीकेबल था डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं था पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। अगर हम O2 का मतलब सेम टाइप ऑफ एटम लेते हैं तो एप्लीकेबल है, CO लेते हैं दो टाइप के एटम लेते हैं तो एप्लीकेबल है, मतलब इसमें दो एटम होने ही चाहिए। अगर हमें चार एटम के लिए चाहिए तो वो हम इसमें नहीं कर सकते, इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से नहीं निकाल सकते। तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, इट इज़ एप्लीकेबल only for diatomic molecules, फिर लिखेंगे they may be homoatomic and heteroatomic like O2, N2, CO, NO positive. फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, बट इट कांट बी एप्लीकेबल फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि O3 हो गया, N2O हो गया,
NS3 हो गया। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है सिर्फ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो ये एप्लीकेबल नहीं है। जैसे डाई एटॉमिक में दो टाइप के आ जाएँ, होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक मतलब सेम टाइप के एटम होने चाहिए, हेट्रो एटॉमिक में डिफरेंट टाइप के एटम होने चाहिए लेकिन दो ही होने चाहिए, दो से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जैसे सेम टाइप में एटम में क्या हो गया, O2 हो गया, और डिफरेंट टाइप के एटम में क्या हो गया, होमो एटॉमिक में क्या हो गया, CO हो गया। लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। अगर हमें O3 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना हुआ तब हम कैसे बनाएंगे? और दो टाइप में तो एक साइड एटॉमिक ऑर्बिटल एक कर देते थे, दूसरा दो का कर देते थे, अब तीन के लिए कैसे बनाएंगे? नहीं बना पाएंगे ना। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए ये एप्लीकेबल है ही नहीं। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये सिर्फ डाई एटॉमिक के लिए एप्लीकेबल था लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि इसमें सिर्फ 20 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तभी हमारा ये एप्लीकेबल है। जैसे कि हमने 14 इलेक्ट्रॉन तक निकाला था, 16 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सिर्फ ये 20 इलेक्ट्रॉन के लिए ही वैलिड है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज़ वैलिड ओनली फॉर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैविंग अप टू 20 इलेक्ट्रॉन। ये सिर्फ 20 इलेक्ट्रॉन क्यों ही? क्योंकि मैंने आप लोगों को जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था, मॉलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था, σ1s2 σ*1s2 से लेकर के π*2p2z, वहाँ पर सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन रख सकते थे। तो ये सिर्फ 20 इलेक्ट्रॉन के लिए ही एप्लीकेबल है। तो इसमें लेकिन अप टू 20 इलेक्ट्रॉन, बट इट कांट बी applied for large number of electron, जैसे कि हमारे पास Br2 हो गया, आयोडीन हो गया, I2 हो गया, Cl2 हो गया। अगर हमारे पास 20 से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, या समझ लीजिए कि 20 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर हो गए, तो उसके लिए ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं थी। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी सिर्फ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए ही एप्लीकेबल थी, पॉली एटॉमिक के लिए एप्लीकेबल नहीं थी। फिर दूसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को ये समझाया कि जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है सिर्फ ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए तो एप्लीकेबल है लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है कि सिर्फ उसका इलेक्ट्रॉन जो होने चाहिए वो 20 इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए। अगर 20 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है तो ये थ्योरी फेल हो जाती है। ठीक, मेरी आवाज़ थोड़ी सी डाउन होगी क्योंकि मेरी तबीयत अभी भी नहीं ठीक हुई है। मैं दवा ले लेकर के आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों का कोर्स थोड़ा सा भी पीछे ना हो। ठीक, तो ऐसे ही मैं आप लोगों को पूरा सेमेस्टर भी गाइड करने वाली हूँ। मेरे तरफ से आप लोगों को 100% मिलेगा। आप लोगों को अगर एक बार में वीडियो नहीं समझ में आती, आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो देखना पड़ेगा। आप सारी क्लासेस अटेंड कीजिए और लास्ट में देखिएगा आप लोग जो जो पढ़े होंगे ना, और जितना मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ना उतना ही आप लोगों के एग्ज़ाम में भी आने वाला है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। वीडियो सच में अच्छी लगती है, दिल से अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और कमेंट करके मुझे बताया भी कीजिए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, मेरी इतनी मेहनत क्या बेकार तो नहीं जा रही है, आप लोगों को समझ में आ तो रहा है ना। ठीक, तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि कभी कभी डिफरेंस पूछ लिया करता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का, तो उसको देख लेते हैं। अब ये वाला देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में कि डिफरेंस बताइए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का। तो मैंने इसको पिछले बार भी बताया था लेकिन इस बार भी बता रही हूँ। ठीक, तो देखिए एक साइड हम लोग लिख लेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, आप चाहे तो पूरा इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, और दूसरे साइड लिख लीजिएगा मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। जिस तरह लिखवा रही हूँ उसी तरह आप लोग एग्ज़ाम में लिख के आइएगा, आप लोगों को पूरे नंबर मिलेंगे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या थी? बॉन्ड्स आर लोकलाइज्ड बिटवीन वन पेयर ऑफ एटम। जो बॉन्ड्स थे सिर्फ एक पेयर ऑफ एटम में ही तो लोकलाइज्ड हुआ करते थे, लेकिन मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो डी लोकलाइज हो जाते थे ओवर इंटायर मॉलिक्यूल। मतलब इसमें कह रहा है जैसे कि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल दे देता है, हमने मान लिया था O2 में, तो इसको हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन σ*1s2 से लिख सकते थे ना। तो ये इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहते थे ये कहीं ना कहीं अलग अलग तरह डी लोकलाइज्ड हो जाते थे पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में। लेकिन इसमें क्या होता था कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे सिर्फ एक पेयर ऑफ एटम में ही वो होते थे। ठीक, जैसे कि हमारे पास ये पेयर ऑफ एटम है तो इसमें ही सिर्फ लोकलाइज्ड होते थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, बॉन्ड्स फॉर्म फ्रॉम ओवरलैप ऑफ एटॉमिक एंड हाइब्रिड
हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसमें बॉन्ड कैसे बनते थे, जब ओवरलैपिंग होती थी एटॉमिक और हाइब्रिड ऑर्बिटल के, लेकिन इसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते थे ये कंबाइन होकर के मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाते थे कि नहीं बनाते थे। मैंने इसमें बताया था कि जब ओवरलैपिंग होती है तब VVT बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन इसमें जब एटॉमिक ऑर्बिटल का जब कम्बिनेशन होता है तब जा करके हमारे पास, मैंने इसमें बताया भी, तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो दूसरा पॉइंट भी हो गया कंप्लीट। तीसरा पॉइंट है, ये हमेशा सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाता है, लेकिन ये क्रिएट करता है बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इंट्रैक्शन। मैंने आप लोगों को बताया था बॉन्डिंग को, मैंने कैसे बताया था, बॉन्डिंग में कोई भी सिंबल नहीं होता, एंटी बॉन्डिंग में स्टार का सिंबल होता था, इसमें हम सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते थे, और इसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या इंट्रैक्शन से हम लोग इसको डिनोट करेंगे, इसमें होता है। फिर उसके बाद प्रेडिक्ट मॉलिकुलर शेप बेस्ड ऑन रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब ये क्या प्रेडिक्ट करता है, ये मॉलिकुलर के शेप को बताता है, मतलब कैसा वो शेप होगा। जैसे मैंने आप लोगों को बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बताए हैं कि H2O बेंट स्ट्रक्चर होता है और HF लीनियर स्ट्रक्चर होता है, तो यही सारी चीज़ें ये मॉलिकुलर शेप को बाद बताता है किसकी वजह से, ऑन रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब उसकी कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और ये क्या करता है, प्रेडिक्ट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल, ये शेप को तो नहीं बताता लेकिन जो मैंने मॉलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था तो पूरा एक अरेंजमेंट की तरह पूरा ये हमें रिप्रेजेंट करता है। तो इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, रिक्वायर मल्टीपल स्ट्रक्चर टू डिस्क्राइब रेजोनेंस। इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर लगते हैं हमें रेजोनेंस का डिफाइन करने के लिए, लेकिन इसमें क्या होता है, अकाउंट्स फॉर रेजोनेंस थ्रू मॉलिकुलर ऑर्बिटल। इसमें कह रहा है कि सिर्फ इसमें हमें सिर्फ अकाउंट्स लगते हैं फॉर रेजोनेंस थ्रू मॉलिकुलर ऑर्बिटल। फिर उसके बाद सिक्स पॉइंट है, जितने पॉइंट्स मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ इतने ही पॉइंट्स आप लोगों को एग्ज़ाम में भी लिख के आना है, ठीक। और इसमें क्या होता था कि VVT जो होता था O2 कहता था डायमैग्नेटिक है, और इसमें जो VVT के अकॉर्डिंग जो O2 कहता था कि ये डायमैग्नेटिक है, लेकिन मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में पाया गया कि O2 जो है पैरामैग्नेटिक है, और एटॉमिक ऑर्बिटल इसमें मोनोसेंट्रिक होता था और इसमें मॉलिकुलर ऑर्बिटल पॉलीसेंट्रिक होता है। तो होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आएंगे, नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को अच्छे से रिपीट करके देखिए, आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएंगे, नोट्स प्रॉपर्ली बनाते हुए चलिए। कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ लिया करिए। ये लास्ट वीडियो थी, सेकंड यूनिट हो गया है कंप्लीट। अब मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करना स्टार्ट करूंगी, और जितने बचे यूनिट हैं उसको भी क्लासेस करना स्टार्ट करूंगी, ठीक। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, बस आप लोग कमेंट करके ये बताते रहिएगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम कब से है कब से नहीं है, और ये मत बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा कि बहुत पहले ही बता दिया कि अब तक कंप्लीट हो जाएगा, सही सही बताइएगा, क्योंकि बहुत बार बच्चे ना झूठ बोल देते हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगती है, आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता है। अब नेक्स्ट यूनिट जल्दी स्टार्ट करेंगे, सो गुड बाय एंड स्टे सेफ, और नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा।